नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नकुल प्रॉपर्टी पर। देखिए, आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। अगर आप लोगों का कम बजट है, आप कहीं भी ग्रेटर नोएडा में किसी भी सेक्टर में प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पा रहे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपका ये सपना साकार होने वाला है। क्यों होने वाला है? देखिए, हर एक चीज़ का एक अंत होता है। अभी जो है ग्रेटर नोएडा में आफ्टर कोरोना और 2024 तक देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी के रेट इतने बढ़े कि आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। देखिए, कॉमन मैन लोग होते हैं, अगर आपकी जो लोन पर प्रॉपर्टी लेते हैं खासकर, उनके लिए अगर आप देखें आपकी सैलरी लाखों में है, वो प्रॉपर्टी के रेट ग्रेटर नोएडा में इतने हो गए कि आप अगर कोई लोन पर प्रॉपर्टी लेते हैं उसकी ईएमआई पे करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जब ग्रेटर नोएडा में इस तरीके के क्लाइंट लोन वाले नहीं बचेंगे, तो आपका प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते रहे, ऐसे ही यहाँ पर एक खाली वीरान ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन उस पर अब लगाम लगी है, रेट बिल्कुल बुरी तरीके से रुके नहीं बल्कि डाउन भी आए हैं। अगर आपको कोई पुराने रेटों में प्रॉपर्टी दे रहा है तो मत लीजिए, क्योंकि रेटों में काफ़ी गिरावट आई है। 120 मीटर की प्रॉपर्टी लोकेशन की अगर आप लेते थे, जैसे कि आप ग्रीन बेल्ट फेसिंग कर लीजिए या पार्क फेसिंग देख लीजिए, तो 2-2 CR लोग रेट मांगने लगे थे, तो उनमें भी काफ़ी गिरावट आई है। आपके जो 70 मीटर के प्लॉट हैं, कोई 1-20 कोई 1-25 मांगने लगा था, उनमें भी गिरावट आई है। 90 मीटर के प्लॉट है, आपका 1.5 करोड़ में सेल हो रहे थे, लेकिन उनमें भी काफ़ी भारी गिरावट आई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 70 मीटर की, 90 मीटर की और 120 मीटर की प्रॉपर्टी देने वाला हूँ। तो देखिए, बात करते हैं किस सेक्टर की। मैं सेक्टर MU1 की बात कर रहा हूँ, जो परी चौक, ग्रेटर नोएडा परी चौक से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जिसके नियर बाई के सेक्टर Omicron 2, Omicron 3, Sector XU1, Sector MU2 इसके नियर बाई के सेक्टर हैं। अगर इसकी मेट्रो की बात करें, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर मेट्रो डिपो इसका पड़ता है। इसकी कॉमर्शियल की बात करें, आपका गोड अतुल्यम सोसाइटी, मिक्सन अल्टीमो, इनकी सोसाइटी की जो कॉमर्शियल है उसको आप यूज़ में ले सकते हैं। सेक्टर एम यू वन के अंदर स्कूल और कॉमर्शियल खुद का है। अगर बात करें जो इसकी पुरानी मार्केट है, HR की मार्केट आप यूज़ कर सकते हैं। स्कूल की बात करें, होली पब्लिक स्कूल, ग्रेटर नोएडा वैली स्कूल और आपका जो एस्टर पब्लिक स्कूल है, अच्छे अच्छे स्कूल इसके नियर बाई में पड़ जाते हैं। सभी ग्रेटर नोएडा के जो अच्छे स्कूल हैं उनकी बसेस सेक्टर के अंदर आती हैं। हॉस्पिटल की बात करें, फोर्टिस हॉस्पिटल इसके नियर में है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। कैलाश हॉस्पिटल, शारदा हॉस्पिटल की बात करें, सब कुछ आपका, देखिए ये अगर आपको 10 किलोमीटर के अंदर अंदर सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलती है तो सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ दूर नहीं है। कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि जी आपके पास इतनी जो सेल के लिए चीज़ें कहाँ से आती है। देखिए, डिजिटल ये एक ऐसा माध्यम है YouTube का, जैसे आप परचेजिंग के लिए कॉल करते हैं, ऐसे ही जो सेलर है वो हमें प्रॉपर्टी अपनी सेल करने के लिए कॉल करता है। तो सेलर की भी हमारे पास चीज़ें होती है, फाइनेंसर भी अपनी चीज़ें सेल करने के लिए कॉल करता है। तो सभी चीज़ें ये आपका डिजिटल के थ्रू हमारे पास आती है। आप देखते होंगे हर एक सेक्टर की मेरी वीडियो, उसी सेक्टर में जाकर वीडियो बनती है जहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होती है। तो आज की वीडियो में 70 मीटर, 90 मीटर और 120 मीटर की प्रॉपर्टी देख लीजिए। लोगों को रेट जानने की बड़ी जल्दी होती है, वीडियो के एंड तक आप जाएंगे तो आपको इन चीज़ों के रेट भी देखने को मिलेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को देखिए सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे फॉरवर्ड करें। आप नहीं ले पा रहे, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेशन में कोई किसी के मतलब की ये वीडियो, तो जरूर ये शेयर किया करें। चलिए देख लेते हैं प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात कर लेते हैं 70 मीटर की। देखिए 70 मीटर में, ये 70 मीटर का ही लाइन है, इसमें नॉर्थ ईस्ट फेसिंग करते हुए 70 मीटर के इस तरीके के बिल्डअप हाउस आपको मिल जाएंगे। अब इनका देखिए, अगर आप पुराने रेटों पर आप जाएंगे, 1 करोड़ 20 लाख तक में यहाँ पर चीज़ें सेल हो चुकी हैं, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख से ये चीज़ें घटकर नीचे आई है। तो 70 मीटर में जिनका जो फ्रंट होता है, 7 मीटर का फ्रंट होता है और 10 मीटर की इनकी डेप्थ होती है। तो अथॉरिटी इनको, अथॉरिटी ने बिल्डअप हाउस करके दिया था। और इनका अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे, बड़े मजबूत, इनमें 20 mm के सरिया डले होते हैं, जिसपे 3.5 फ्लोर का आप ये बिल्डिंग है जैसे देख रहे हैं बनी हुई, ये भी बन रही है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आप खड़ी कर सकते हैं। तो इस लाइन में 70 मीटर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग करती हुई प्रॉपर्टी आप 70 मीटर में सेक्टर MU1 के अंदर परचेज कर सकते हैं। तो 90 मीटर में जैसे आप ये देख ही रहे हैं किस तरीके से बिल्डअप हाउसेस बने हुए हैं, तो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग करता हुआ 12 मीटर रोड पर कॉर्नर की ये यूनिट, 12 मीटर रोड इस तरफ कॉर्नर की ये यूनिट, घर के बराबर में इस तरीके से ये ग्रीनरी, 12 मीटर रोड नॉर्थ वेस्ट फेसिंग आप अगर देखते हैं। चलिए मैं अंदर से इसको एक्चुअल दिखाई देता हूँ कि किस तरीके का ये बना हुआ है। जैसे आप एंट्री करते हैं तो बड़ी प्यारी सी ये यूनिट है, इसमें आपको ज़्यादा रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो थोड़े पैसों में आपका ये काम हो जाएगा।
तो 90 मीटर में ये यूनिट आप परचेज कर सकते हैं, कॉर्नर 7.5 मीटर फ्रंट 12 मीटर डेप्थ के साथ, कॉर्नर का ये हाउस 90 मीटर सेक्टर MU1। तो 90 मीटर में इस तरीके का बिल्डअप हाउस जो एक्चुअल सेल पर है 12 मीटर रोड पर, जैसे आपने वीडियो में देखा अंदर से इस तरीके का ही बना हुआ है, रेंट आउट की प्रॉपर्टी है, 1,35,00,000 में ख़रीदने का इसका सुनहरा मौका है ये 12 मीटर रोड पर। सेक्टर के अंदर अगर कॉमर्शियल की बात करें तो ये गोल्डन एरो पब्लिक स्कूल बच्चों के लिए आपको मिल जाता है, शिव मंदिर मार्केट, तो कॉमर्शियल यहाँ पर आपको सेक्टर में ही, आपको दूसरे सेक्टर में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस तरीके का कॉमर्शियल यहाँ पर। और आपका ये कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल आपका सेक्टर में ही है, तो तरीके से स्कूल बसेस भी सेक्टर में आप देख ही रहे हैं। सेक्टर के बाहर अगर आप देखेंगे गैलेक्सी हॉस्पिटल, सेक्टर के बाहर ही हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं भी यहां पर है। तो ये तो आपने 90 मीटर और 70 मीटर के ब्लॉक देखे, ओमा पब्लिक स्कूल की बस इसको पहले जाने देते हैं, तो ये आपने ब्लॉक देखे 90 और 70 मीटर के, घर भी देखें किस तरीके के बने हुए हैं, बिल्डअप हाउस कैसे आपको मिलते हैं। तो देखिए बात करते हैं 120 मीटर की, जो 120 मीटर में ग्रीन बेल्ट फेसिंग करता हुआ जो घर है बड़ा खूबसूरत सा, आपके बजट में बिल्कुल वो आ रहा है, तो उसको भी मैं आपको ये 90 मीटर में देंगे, खूबसूरत खूबसूरत घर बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ की 120 मीटर पर पहुँचने से पहले बात करते हैं इसकी रजिस्ट्री की, अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्री चार्ज पे करेंगे जो यहाँ का सर्कल रेट है 44,000 का, उस सर्कल रेट पर आपका 6% रजिस्ट्री चार्ज आएगा, जिसमें 5% स्टाम्प के लिए आपका और 1% रजिस्ट्री के लिए, और जो 1125 रुपये पर मीटर का ट्रांसफ़र चार्ज है। पार्क भी देख लीजिए, वेल डेवलप्ड इस सेक्टर के पार्क हैं। तो ट्रांसफ़र चार्ज रजिस्ट्री के चार्ज जो हैं इसके अदर सेक्टर के तरह ही है, पूरे ग्रेटर नोएडा की तरह। तो एक ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा सेक्टर है, जिसमें आपको आप घर बनाकर रहते हैं तो ऐसा फील नहीं होगा कि हम अकेले हैं, जिस तरीके से आप वीडियो में लोकेलिटी देख ही रहे हैं कि घर बनाकर यहाँ पर काफ़ी हद तक फैमिलीज आ चुकी है। तो इसके कॉमर्शियल स्कूल सारी चीज़ें चलने का जो रीज़न है, फैमिली का यहाँ पर आकर बस जाना, ये इसके पीछे की वजह है। तो चलते हैं इसके ए ब्लॉक की तरफ 120 मीटर की प्रॉपर्टी के लिए। देखिए अगर आप यहाँ सेक्टर में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपका जानना ज़रूरी है सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे देखिए 30 मीटर के फ्लैट भी आपको जनता फ्लैट यहाँ पर देखने को मिलते हैं सेक्टर के अंदर, प्योर ग्रीन सेक्टर, ग्रीन भी देख लीजिए कि पार्कों की। ये 120 मीटर के ब्लॉक में हम आ चुके हैं, ये पार्कों की डेवलपमेंट के यहाँ पर आप देख रहे हैं, और जैसे कि ये बैठे हुए देखेंगे तो अथॉरिटी की तरफ से पूरा यहाँ पर ध्यान रखा जाता है साफ़ सफाई का, ये बैठी हुई अपने वर्कर देखे भी। तो 120 मीटर की यूनिट। अच्छा, वीडियो बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिस कर जाता हूँ वीडियो में, आपका अगर वीडियो देखते हुए प्रॉपर्टी को लेकर या सेक्टर को लेकर कुछ भी डाउट कुछ भी क्वेरी है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, और रेट के बारे में या यहाँ की कुछ भी आपको जानकारी चाहिए सेक्टर के बारे में आप हमसे ले सकते हैं। तो चलिए आप देख लीजिए पहले यूनिट, ये हम सेक्टर के फ्रंट गेट की तरफ आ गए हैं बी ब्लॉक में, ये मेन रोड है 60 मीटर का, इसके उस तरफ सेक्टर ओमिक्रोन 2 बसता है, आगे की तरफ 130 मीटर रोड है। तो उसके अंदर आप ये 120 मीटर के डी ब्लॉक का आप देख रहे हैं, तो ये ग्रीन बेल्ट बाहर वाली कैसे यूज कर सकते हैं, काफ़ी लोगों ने किया हुआ भी है, आपको यहाँ पर थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा इस ग्रीन बेल्ट को यूज करने के लिए। कैसे कि यहाँ पर अपने घर के सामने एक गेट लगाइए, बाहर की तरफ गार्डन बनाइए इस ग्रीन बेल्ट का। तो 120 मीटर की अगर फ्रंट की बात करें, 8 मीटर का इनका फ्रंट होता है और 2 BHK टाइप ये बने होते हैं, एक हॉल, एक किचन और 2 वॉशरूम के साथ। तो ये यूनिट आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर आकर, काम इसमें करा रखा है, वाइट वॉश वगैरह का, गेट का, खिड़की, विंडो, सारा काम इसमें कंप्लीट है। जैसे आप जाते हैं तो ये वाला घर आप 120 मीटर में सेक्टर MU1 के अंदर परचेज कर सकते हैं। तो इसका देखिए 120 मीटर में क्या क्या बने होते हैं, एक सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सैंपल तो आप देख ही रहे हैं जो एक्चुअल यूनिट है सेल के लिए। तो बड़े ये ग्रीन बेल्ट फेसिंग
सामने की तरफ ग्रीन बेल्ट, जिसका यूज़ मैंने आपको बताया आप कैसे कर सकते हैं। एक सैंपल यूनिट देख लेते हैं कि अथॉरिटी ने क्या यहाँ पर बना कर दिया 120 मीटर में। जैसे इस घर में काम के लिए थोड़ा ये फर्नीचर का पड़ा हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे एक आपका पूरा ओपन स्पेस ये हॉल का होता है इस तरीके से। और इसका अगर आप देखते हैं ये वाला स्पेस किचन के लिए होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाला स्पेस साफ के लिए दिया होता है। और ये वाला स्पेस आप एज ए टेम्पल यूज कर सकते हैं। ये इसका एक बेडरूम होता है। इस बेडरूम में एक आपका पर्सनल वॉशरूम का लिए स्पेस है, और दूसरा बेडरूम इसका पीछे की तरफ है जिसका एक वॉशरूम का स्पेस ये हो जाता है, और ये एक बेडरूम पीछे की तरफ हो जाता है। ये पीछे का ओपन स्पेस जाल के लिए दिया होता है। तो 120 मीटर में 2 BHK, 2 वॉशरूम, एक ओपन हॉल, एक टेम्पल, एक आपका किचन के लिए बनी हुई चीज़ें होती है। तो वीडियो में देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट है ये प्रॉपर्टी परचेज करने का, तो ये एक सुनहरे पल हैं अभी आप लोगों के लिए, जहाँ पर आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ये रेट अभी कुछ समय के लिए रुके हुए हैं, लेकिन ये रुकेंगे नहीं, ये पूरी तरीके से फिर बढ़ेंगे।